The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So, subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, Namaskar Adab I Mahu Dr. Param Ji are Dr. Education, Ekbar Pir, Aap ka Swagat He Hamare's channel pe or Hamare. आज की अदालत में एक बार फिर कटगड़े में है हमारे कोरोना वायरस और उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भैया हम गले में ये सांस की नलियों में स्थिर रहें या फिर पेट में चले जाएं कभी लूज मोशन कर रहे हैं पेशेंट्स को कभी पैरों में कालापन आ रहा है कभी खून के क्लॉट बना रहे हैं कभी सांस फूल रहा है कभी बुखार आ रहा है ये कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं रहते हो एक जगह पे स्टेबल क्यों नहीं रहते हो ये सवाल है आज का और फिर सवाल आता है पेशेंट्स का डर का कि भाई बहुत सारे पेशेंट जो हैं अस्पताल जाने से डर रहे हैं और कि भाई अस्पताल में कोरोना एक तो पॉजिटिव आ गया घर नहीं जाने देंगे दूसरा कोरोना कहीं वहीं से ना मिल जाए अस्पताल के डर हैं और इस चक्कर में घर पे रह जा रहे हैं और घर पे ख़ुद को मॉनिटरिंग करना उनको आता है नहीं आता है ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आज की दुनिया में तो ये एक सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे वे कोरोना वायरस के ऐसे सिम्टम्स में इशू क्यों आ रहा है ये बात याद रखिए कि ये वायरस किसी के सगे नहीं होते पहली बात तो ये ठीक है ये वायरस किसी के सगे नहीं होते तो ऐसा नहीं है कि ये वायरस आपके गले के सगे हैं कि गले में जाएंगे और सांस की नली में जाएंगे और लंग्स में जाएंगे और सिर्फ लंग्स की ऐसी तैसे करेंगे नहीं इनको एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही पसंद है राइट सो ये क्या है ये ये न्यू जनरेशन के हैं जैसे हमारे नए जनरेशन के बच्चे हैं घर में टिक के बैठते तो हैं नहीं उनको यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है उनको फिर बाहर देश में भी जाना है और बड़े बड़े शहरों में भी जाना है और फिर उनको पंख लगा के उड़ना भी है वैसे ये वायरस है जिसको चढ़ी हुई है मस्ती और ये वायरस क्या करता है आपके शरीर में चला जाता है ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो कैसे कहने का मतलब ये है कि टेक्निकली स्पीकिंग तो वायरस बहुत सारे रूट से जा सकता है लेकिन सबसे मेजॉरिटी वाला रूट जो है वो आपका एयरबोन है आपको पता है किसी के छींकने खांसने से आपको एकदम उड़ के आपके मुंह में जा सकता है अगर आपने मास्क वास्क पहना है तो कम चांसेस होते हैं कि आपके मुंह से निकल के किसी और को जाएगा और अगर आपने हाथ लगा के मुंह में हाथ लगाया तो आपके मुंह में चला जाएगा अल्टीमेटली आपके मुंह को तो इन्फेक्ट करेगा ही करेगा सांस की नली में जाएगा पेट में इन्फेक्ट करेगा पेट में जाके आपके इंटेस्टाइन्स को भी जी हाँ अर्थड़ियों को भी ये इन्फेक्ट करता है अर्थड़ियों में आपके जाके ये डायरिया डायरिया यानी लूज़ मोशन पेट में दिक्कत पेट में दर्द नौजिया वॉमिटिंग ऐसे सिम्टम भी कर सकता है और अल्टीमेटली एक वायरल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं वायरल सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि एक वायरस आपके शरीर में गया भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गन्स में जाके उन्होंने अपना डेरा डाला और ये डेरा डाल के उस भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गन्स के ऊपर अपनी जो जनसंख्या है बढ़ाने लग गया वायरस का म्यूटेशन कैसे होता है अगर आपको नहीं पता है तो आपने हमारे वायरल वाले म्यूटे वीडियोज़ नहीं देखे वायरस के म्यूटेशन मतलब वाइटर वायरस की दो चीज़ें होती हैं एक तो खुद का म्यूटेशन एक का मल्टीप्लिकेशन आपके शरीर में जाके वायरस मल्टीप्लाई होता है और ये वायरस जो नवीन वायरस है ये भाई साहब म्यूटेट भी होता है यह आपके शरीर में अंदर और शरीर के बाहर दोनों जगह पे म्यूटेट भी होता है बहुत माइनर डिग्रीज में म्यूटेशन है इतना नहीं कि रेजिस्टेंस होता जाए अंदर ही अंदर लेकिन इतना कि मल्टीपल ऑर्गन को इन्फेक्ट भी कर सके और मल्टीपल जगह पे सिम्टम भी कर सके और ऐसे वजह से आपको कभी पेट के सिम्टम हो रहे हैं कभी क्लॉटिंग वाले सिम्टम हो रहे हैं कभी पैरों में कभी हाथों में दर्द हो रहा है फटीक हो रहा है बुखार हो रहा है किसी को सर्दी हो रही खा किसी को खांसी हो रही है ड्राई कफ हो रहा है किसी को सांस फूल रहा है किसी की एग्जिस्टिंग बीमारियां बढ़ जा रही है राइट right? जी हाँ किसी की एग्जिस्टिंग बीमारियां बढ़ जा रही है किसी के वायरल इस वायरस इन्फेक्शन में इम्यूनिटी कम हो जाने से पुरानी बीमारियां जाग जा रही हैं जी हाँ किसी को पुराना मान लीजिए कोई और वायरस है जो मान लीजिए हरपीज सिम्पलेक्स वायरस है कोई ऐसा कोई वायरस जो आपके अंदर बैठा हुआ है डॉर्मेंट बैठा हुआ है मान लो वो एकदम से हरपीज़ उठ के बैठ गया और ट्यूबर क्लोसेज उठ के बैठ गया ओके कमजोर आज कमजोर हो गए हैं क्या बोलते हैं उसको मार दो लोहा गर्म है मार दो हा थोड़ा ऐसे सो so, ये वायरस का खेल ऐसा है ठीक है मगर अल्टीमेटली ये है एक ही चीज एक ही चीज़ मतलब वायरस वायरस का एक ही काम है अंदर जाओ सेल्स में मल्टीप्लाई हो एक सेल खराब फिर दूसरा सेल ऐसे हजारों सेल को मल्टीप्लाई करके खराब करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ अल्टीमेटली वो ऑर्गन जो है काम करना कम करेगा और ऑर्गन का सिम्टम आएगा तो so, जिस ऑर्गन का सिम्टम जिस ऑर्गन में जाएगा उस ऑर्गन का सिम्टम आएगा और इसी हिसाब से उसके सिम्टम होते हैं सो so, ये हो गई बात कि भाई वायरस किसी का सगा नहीं है सो so, अगर तो फीवर आ रहा है खांसी है लेकिन ज़्यादातर केसेस में लेट मी टेल यू है तो बहुत सारे सिम्टम लेकिन अभी तक ऐसा नहीं देखा गया किसी भी केसेस में कि यह दूसरे फलाने ढमकाने वाले ऑर्गन के वजह से किसी की जान गई हो ठीक है कि पेट में दिक्कत के वजह से शॉक में चला के मर गया ऐसा नहीं है सांस की दिक्कत की वजह से या फिर फेफड़ों में ही क्लॉट आने की वजह से वो भी सांस ही घूलेगा सो अल्टीमेटली जो जान जा रही है लोगों की यह सांस की बीमारी और हार्ट की बीमारी सांस और हार्ट फेफड़े और हार्ट ये दो की वजह से जा जारी कुछ ऐसे भी केसेस सुनने में आ रहे हैं जो 24-48 घंटे के अंदर दो दिन के अंदर एक दो दिन के अंदर एकदम सीरियस होकर वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं या फिर कई पेशेंट ऐसे भी सुनने में आते हैं जो रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं उसके बारे में क्या उसका लॉजिक है उसके क्या सच्चाई है ये आपको अगले वीडियो में समझाएंगे अभी पहली बातचीत जो हम कर रहे हैं कि भाई ये वायरस किसी का सगा नहीं है तो ये वायरस जो है किसी का सगा नहीं है सो तो अगर आपको कोई भी सिम्टम हो रहे हैं घर में या बाहर आप कहीं भी हो कोई भी बीमारी है कुछ भी है तो घर में रहो ठीक है या अपने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करो और वो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है कि नहीं है नंबर एक नंबर दो घर के अंदर आपको खुद की मॉनिटरिंग करनी है ये बहुत जरूरी है खुद की मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग का मतलब होता है वाइटल्स मॉनिटरिंग ना कोई भी बीमारी हो वो आपके शरीर को जब भी दिक्कत देगी चाहे वो आपके फेफड़ों को दे पेट को दे कहीं भी हो कहीं भी इंफ्लॉमेशन होगा दर्द होगा या कोई भी मेजर सिम्टम होगा जो आपकी दिनचर्या में प्रॉब्लम करे तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है देर आर सम थिंग्स विच कैन हैपन जो आप देख सकते हो जब भी कोई बीमारी खतरनाक स्टेज में पहुंचने लगती है तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है हार्ट रेट हार्ट रेट पल्स रेट जिसको आप जो भी बोलो उसके ऊपर अलग से वीडियो है हमारा कि पल्स रेट कैसे देखने का यहाँ पे उंगली रख के जैसा मैंने समझाया हुआ है वो देख सकते हो आप हमारे उस वाले वीडियो में सेकेंड इज योर ब्लड प्रेशर पल्स रेट 60 टू 100 के रेंज में रहनी चाहिए 100 के ऊपर है लगातार है बढ़ती जा रही है तो फिर तो रिस्क है सिक्सटी के नीचे जा रही है जाती जा रही है तो रिस्क है ब्लड प्रेशर जो है वो भी मॉनिटर करना है ब्लड शुगर मॉनिटर करना है अगर चक्कर आ रहे हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स देखने होंगे फास्टिंग भी देख सकते हैं जिनको ऑलरेडी शुगर है जिनको शुगर नहीं है चक्कर आ रहे हैं वो रैंडम देख सकते हैं द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू सी इज थर्ड थिंग विच यू हैव टू सी इज ब्लड ब्लड प्रेशर शुगर हो गया पल्स हो गया ब्लड प्रेशर सो ब्लड प्रेशर जो है मशीन नहीं है तो एक ब्लड डिजिटल मॉनिटर सबके पास होना चाहिए भूल जाइए कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है ठीक है ये खाने में जब नमक डालते हैं गिन के नहीं डालते अंदाजे से डाल देते हैं वैसे ही आपका अंदाजा ही चाहिए कि अंदाजन अंदाजन ब्लड प्रेशर हायर साइड है लोअर साइड है कि ओके ओके है बस घर में मॉनिटरिंग का उद्देश्य यही है अंदाजा अंदाजे से काम होता है घर में एग्जैक्ट एग्जैक्ट कड़का कड़का गिन के ना तो कुछ होता है घर में ना कुछ होगा ठीक है सो so, ब्लड प्रेशर हो ब्लड शुगर हो अंदाजा देता है अंदाजा काफ़ी है तो वो अंदाजा रेगुलर रेगुलर लेना है चाहे रोज लीजिए जैसे ब्लड प्रेशर और सैचुरेशन प्रोब भी आती है मशीन एक ऐसी की मशीन आती है छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी आई कोई मशीन ठीक है ये मशीन जो होती है इसके अंदर अभी इसकी बैटरी क्योंकि अभी बच्चे खेल खेल के इसकी बैटरी तोड़ दिया है तो इसलिए हम दिखा नहीं सकते जब से एक क्लिनिक बंद हुआ है बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे और ये इजी केयर इजी केयर की ये ऐसा मतलब डजन मैटर कोई भी कंपनी ये इसमें उंगली डालते हैं और इधर सैर होते हैं और इसमें बटन दबाते हैं तो ये बता देता है ट्विंग ट्विंग करके कि आपका ब्लड का सैचुरेशन कितना है सो so ये ब्लड का सैचुरेशन यानी ब्लड में ऑक्सीजन सेचुरेशन दिखाएगा एक नॉर्मल आदमी में ये 95 परसेंट से ऊपर रहना चाहिए 98, 99, 100 रहता है आपके हमारे में जिसको एस्थमा है जिसको लंग की बीमारी जिसको टी हो गया है जिसको ब्रोंकाइटिस है उसका थोड़ा कम रह सकता है कुछ लोगों में रेगुलर कम रहता है तो जो भी आपका नॉर्मल है वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मेरा नॉर्मल सैचुरेशन इतना रहता है क्योंकि मॉनिटरिंग का मतलब यही है कि ये सारे वाइटल पैरामीटर्स हैं वाइटल पैरामीटर्स बोले तो ब्लड प्रेशर शुगर पल्स रेट सैचुरेशन सारे कॉन्शियसनेस आपकी चलने फिरने की क्षमता चलने फिरने की क्षमता सांस का रेट रेस्पिरेटरी रेट ये सारे नहीं देखने आपको सांस का रेट रेस्पिरेटरी रेट चलने की क्षमता वो सब आपको अंदाजा हो जाएगा मेन चीज है ये चार ये चार चीजें देख लो घर पे बहुत है बहुत है बहुत है मतलब saturation, अगर आपका आपका जो भी नॉर्मल पांच या दस से कम हो रहा है यानी अगर आपका नाइन्टी नाइन हंड्रेड रहता और 95 से कम होते जा रहा है कम 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 होते जा रहा है यह खतरे की घंटी है दस्तक है क्राइम पेट्रोल को फोन करिए और एसीबी प्रद्युमन से जाके मिलिए आई मीन योर डॉक्टर ठीक है I mean डॉक्टर से जाके मिलिए और नंबर दो आपको सांस की ये सैचुरेशन प्रोब बताएगा दिल की धड़कन चेक करनी है हंड्रेड के ऊपर कॉन्स्टेंटली जाते जा रही है जाते जा रही है दैर इज अ प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर 90 बाय 60 से नीचे जा रहा है चक्कर आएगा उसमें यानी लो साइड रह रहा है तो भी गड़बड़ है 140 फोर्टी बाय नाइन्टी से ऊपर रह रहा है तो भी गड़बड़ है सो मॉनिटर ब्लड प्रेशर ऑन अ डेली बेसिस बीपी और पल्स और सैचुरेशन इसको गिनने में कोई पैसा नहीं लग रहा बल्कि दो मिनट लगते हैं तो दो मिनट रोज देखो रोज सुबह शाम रोज सुबह शाम जो बूढ़े हैं जो बुजुर्ग हैं वो बताते नहीं अपनी बीमारी का उन लोगों का रोज ये देखा करो घर में हो आपकी जिम्मेदारी है ठीक है कितना नेटफ्लिक्स देखोगे उनको भी देख लो ठीक है दैट इज इंपॉर्टेंट उसके बाद शुगर जिसको शुगर है वो अल्टरनेट डे या हफ्ते में दो बार ब्लड शुगर चेक करे अगर कंट्रोल है कंट्रोल नहीं है तो रोज चेक करे ब्लड शुगर नीड्स टू बी कंट्रोल कंट्रोल में कैसे लाना उसके लिए शुगर वाले वीडियो देखो डॉक्टर से बात करो अल्टीमेट अपनी बीमारी कंट्रोल करो वेट लॉस करो वजन मॉनिटर करो अगर वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो डेली वजन चेक करोगे अपने आप समझ में आएगा यार मैं कहां जा रहा हूं एंड यूल ट्राई टू डू समथिंग और कॉन्टेक्ट अ डॉक्टर और फिर आपका वजन कम करने में डॉक्टर या वो फिटनेस एक्सपर्ट काम करेंगे सो so, इस तरह आपने मॉनिटरिंग करनी है मॉनिटरिंग करोगे तो सेफ रहोगे पता चलता रहेगा कि बीमारी बढ़ रही है कि नहीं कब डॉक्टर से बात करनी है आज के डेट में पहला कंसल्टेशन ऑनलाइन करिए डरिए मत ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं आता डॉक्टर साहब ये फलाना ढमकाना बातें नहीं चाहिए ऑनलाइन कंसल्टेशन की हज़ारों साइट्स हैं गोकी पे भी हैं गोकी पे भी कर सकते हो प्रैक्टो पे लाइब्रेट पे व्हाट्सएप पे कई सारे डॉक्टरों के पास है ऑलरेडी ऑनलाइन कंसल्टेशन करिए जाके डॉक्टर से बात करिए अपनी स्पेशलिटी के उस पर भी वीडियो हमने बनाए थे कि, कि किस प्रकार के डॉक्टर को कंसल्ट करना है यूट्यूब पे बताया हुआ है आपको सो वो सब पे ध्यान दीजिए अपना ख्याल रखिए घर पर रहिए ठीक है माता पिता का ख्याल रखिए सबसे जरूरी है कोविड के चलते ये किसी का सगा नहीं है आप सगे जरूर बनिए लाइट चलिए बाय सीट बाय